नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विया स्टॉक्स में। दिल से अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में दोस्तों, आप टेलीग्राम ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इस 73 पैसे का पेनी स्टॉक जो 2016 में ट्रेड करता था। बहुत लोगों को इसने पैसा कमा के दिया है और अभी जो स्टॉक का प्राइस है 3 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये स्टॉक ने 1:10 के रेशियो में आपको बोनस भी दिया है। तो डेफिनेटली जो बोनस का है, जो भी एक शेयर आना था 10 शेयर के बदले, तो वो आई थिंक आपके यहाँ क्रेडिट हो गया होगा अगर आपने स्टॉक को बाय किया। जैसे कि मैंने भी बाय किया था तो मेरे ख्याल से मुझे आ चुका है। ठीक है, देखो ये मेरी मुझे मेल आई है तो आप भी चेकआउट कर सकते हो, आपको मेल कुछ आई होगी ऐसी कुछ मेल। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इसने किस रेशियो में आपको दिया है कि कॉर्पोरेट एक्शन किस किस स्टॉक में देखने को मिल गया है। ठीक है, तो अब आपको मैं स्टॉक का नाम दिखलाता हूँ। नाम आपको शायद याद आ गया होगा मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अनुपम फिनसर्व की। और यहाँ प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट जो मैंने लिखा है करोड़ शेयर्स, या दोस्तों कितने करोड़ शेयर है वो 2,83,00,000 शेयर्स बाय करे हैं प्रमोटर्स ने लास्ट कुछ क्वार्टर्स में। और आप पैटर्न देख सकते हो, स्टॉक का लगातार हायर इसका पैटर्न बना रहा है। स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट है 2 रुपए 64 पैसे के आसपास और ये कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। अब आता है क्वेश्चन, क्या स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लिया जाए? मेरे हिसाब से तो दोस्तों देखिए, प्राइस ना बहुत महंगा है। ठीक है, मैंने खुद स्टॉक को आई थिंक 3.50 में बाय किया है और मैंने वन शॉट इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। मैं स्टॉक को नीचे एवरेज करूंगा, 2 रुपये मिलेगा मैं एवरेज करूंगा, और मुझे अगर स्टॉक 1 रुपये 50 पैसे मिलेगा मैं एवरेज करूंगा। उसका एक रीज़न है, ठीक है, एक दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है, देखो ये प्रमोटर्स की होल्डिंग मैंने खोल रखी है अनुपम फिनसर्व की, और यहाँ आप देख सकते हो येरी 30/6/2021 में 23% के आसपास की होल्डिंग थी। ठीक है, जो बढ़कर 29% हो गई। ठीक है, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है। अब मुझे बताओ, स्टॉक मार्केट का अगर आपको बेसिक और स्टॉक मार्केट पता है, फंडामेंटल एनालिसिस, तो ये है कि अगर कोई भी स्टॉक में प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, उसका मतलब है कि वो स्टॉक फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। फ्यूचर 2 से 5 सालों का होता है। तो अगर स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि प्रमोटर्स बोल रहे हैं कि होल्ड करो। ठीक है, प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। और प्रमोटर्स छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो यहाँ अगर आप नीचे जाओगे तो कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, लगातार अच्छे नंबर्स दे रही है। मैं आपको दिखाता हूँ नंबर्स, 1,35,00,000 का दिस अभी तक करंट TTM प्रॉफिट हो चुका है, जो लास्ट ईयर 1.27 करोड़ का प्रॉफिट था। और देखो यहाँ छोटे मोटे प्रॉफिट कंपनी देती रहती है हर क्वार्टर में। तो ये दो रीजन काफी है किसी स्टॉक को होल्ड करने के, लेकिन कभी भी वन शॉट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है क्योंकि स्टॉक का प्राइस काफी ऊपरी ट्रेड कर रहा है। अगर आप थोड़ा बेसिक जानते हो टेक्निकल एनालिसिस का, तो उसके हिसाब से स्टॉक का प्राइस काफी हाई रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो कभी भी अगर कोई स्टॉक का प्राइस हाई रेंज में ट्रेड करता है, तो वहां पर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट ना करते हुए आपको टुकड़ों में बाय करना चाहिए, जैसे मैंने किया है। मैंने टुकड़ों में ही बाय करूंगा, नीचे गिरेगा तो मैं स्टॉक को बाय करना पसंद करूंगा, ना कि सेल करना पसंद करूंगा। बाकी आप यहाँ देख सकते हो, 7,00,000 शेयर यहाँ पर ट्रेड किए गए थे, सभी के सभी शेयर्स लोग घर लेके गए। अब बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न की। तो चार्ट पैटर्न मैंने खोला हुआ है और आप क्लियरली देख सकते हो, डेली चार्ट में स्टॉक ने काफी अच्छा यहाँ पर एक रेंज बनाया और रेंज का इसने ब्रेकडाउन कर दिया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन कर चुका है। अगर अगर देखो देखो, दो बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, बाद में मत बोला नहीं बताया, क्यों नहीं बताया। अगर ये स्टॉक अपना 2 रुपए, ये जो लो दिख रहा है आपको 2.74 का तोड़ देता है, 2.74 का प्राइस तोड़ देता है, तो आप स्टॉक से एग्जिट कर लो अभी के अभी। ठीक है, फिर ये स्टॉक आपको जो मैंने आपको बताया ना, वहां तक के टारगेट दिखा सकता है, मतलब नीचे के टारगेट। ठीक है, नीचे मतलब कितने, 1 रुपये 50 पैसे तक। तो अगर 2.70 के नीचे क्लोज करता है दोबारा से, तो आप स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए बिल्कुल, अगर आपको डर लग रहा है। तो ये 1.5 रुपये तक आ सकता है, तो 1.5 रुपये में आने के बाद आपको स्टॉक को दोबारा बाय करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हो बाय तो करना, नहीं कर सकते तो अभी बेच देना और नीचे दोबारा बाय कर लेना। तो मैं खुद स्टॉक को अभी बेचूंगा नहीं, ठीक है, मैं स्टॉक को नीचे 1 रुपये 50 पैसे के आसपास बाय करने वाला हूँ। रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, प्रमोटर्स बोल रहे हैं, प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, वो मेरे लिए काफी बड़ा पॉइंट है। और साथ में कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, तो ये दो पॉइंट किसी भी पेनी स्टॉक को बाय करने के इनफ है। अगर ये पेनी स्टॉक मुझे 80 पैसे में मिलता तो मैं आंखें बंद करके बाय करता, लेकिन उस समय शायद मैं वीडियो नहीं बना पाया या स्टॉक मेरे नजरों में नहीं आया। अब आया है तो आपका तरीका मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। अगर ये नीचे गिरता है 1.5 रुपये तक, तो बाय करना, ठीक है। और अगर अभी डर लग रहा है, तो 2.70 के नीचे जैसे क्लोज करेगा एग्जिट कर लेना,
एग्जिट कर लेना बिना सोचे समझे, एग्जिट बस। ठीक है, समझ आ गया क्या करना है अनुपम फिल्म सर्फ में? तो यही अपडेट निकल के आता है मार्च 2022 का, 270 टूटेगा एग्जिट। ठीक है, एवरेज कर सकते हो 150 रुपए में, कर लेना। बाकी लॉन्ग टर्म के स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, जब तक प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं। जब तक प्रमोटर्स बोल रहे हैं होल्ड करने के लिए मैं करूंगा, प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ा रहे तो मैं भी स्टॉक को होल्ड ही करने वाला हूं। अगर अगले क्वार्टर में प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग डिक्रीज करते हैं तो मैं फिर अपनी होल्डिंग यहां से स्क्वायर अप करना पसंद करूंगा, जब तक प्रमोटर्स नहीं बोलते। समझ आ गया क्या करना अनुपम फिनसर्फ में? बार बार नीचे कमेंट करके मत बोलना सर इसके और वीडियो बनाओ, बना दिया है ये वीडियो, अब अगले 1-2 महीने के लिए एप्लीकेबल है। 274 टूटता है शॉर्ट टर्म एग्जिट, 1.50 आता है लॉन्ग टर्म बाय, और लॉन्ग टर्म बाय के दो रीजन बता दिए, प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, प्रमोटर लगातार माल उठा रहे, बस। ठीक है, बाकी खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।